ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरी साइड वाली विंडो में, ये इस बच्ची का नाम है खुशी जाटव। ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है और ये फिजिकली एबल्ड है, दिव्यांग है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना टैलेंट है कि आज सोशल मीडिया पर ये सनसनी बनी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से ये बच्ची डिसेबल होने के बावजूद भी जो पेंटिंग करती है, जो टैलेंट है इनके अंदर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी पेंटिंग 5,000 रुपये में बिकी है। आप सोचिए, और अभी मात्र ये 6 से 7 साल की होंगी, लेकिन इनके पास जो हुनर है, जो कला है, उसकी कीमत समझिए कि 5 साल की बच्ची जो डिसेबल है, दिव्यांग है, उसकी पेंटिंग 5,000 रुपये में बिकती है। और अब इसकी इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तमाम लोग जो है इनकी तारीफ कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है और वो इनसे मुलाकात करने भी गए हैं। पूरा मामला बताऊंगा कि किस तरीके से आकाश आनंद ने इनको प्रमोट किया, इनकी हौसला अफजाई की और इनसे मुलाकात कर इनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन एक बात समझिए, वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़े बड़े संस्थाओं में बैठकर मलाई खा रहे हैं। मीडिया, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तमाम जगहों पर कौन लोग हैं जो मेरिट की दुआई देते हैं। लेकिन आप इस बच्ची के टैलेंट से समझिए कि जो फिजिकली एबल्ड है वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाती है कि उसकी पेंटिंग 5,000 में बिक जाती है, लेकिन ये लोग आरक्षण को गाली देते हैं। दरअसल बात यही है, टैलेंट उसी में भरा है जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो गांव में खेत में हल चलाता है, जिसकी बाजुओं में दम है, जिसके पैरों में दम है, बस जरूरत है तो उनको एक मौका मिलने की। लेकिन आज सोशल मीडिया है जिसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए रोज एक सोशल मीडिया रोज एक स्टार देता है भारत को, तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ताकतवर है। और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये खुशी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की फोटो भी बनाई है, उनकी भी पेंटिंग बनाई है, वो भी दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है जो फिजिकली एबल्ड है, वो कितना खूबसूरत काम करती है, ये देखिए। राजीव हिंडोलिया है, उन्होंने ट्वीट किया था, इस बच्ची का नाम खुशी जाटव है, इसके हाथ पैर नहीं है इसलिए ये मुंह से पेंटिंग करती है, और पेंटिंग प्रतियोगिता में इसकी पेंटिंग को 5,000 में खरीदा गया। और कुछ लोगों को इन्होंने टैग किया है, लाल सिंह आर्या, स्वाति जय हिंद, हंसराज मीना, उसी को रीट्वीट करते हुए आकाश आनंद ने लिखा है, थैंक यू राजीव हिंदोई जी फॉर टेलिंग अस अबाउट खुशी, सी इज वेरी ब्राइट एंड प्रोमाइजिंग चाइल्ड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मुंह से पेंटिंग करती है ये, और जो पेंटिंग बनाती है प्रतियोगिता में वो 5,000 की बिकी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, टीम आकाश आनंद BSP, आज खुशी जाटव बिटिया जी जो कि दिव्यांग होने की वजह से मुंह से बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है, खुशी जाटव के घर ग्वालियर पहुंचकर मुलाकात कर बातचीत के साथ उनकी बनाई पेंटिंग लेकर खुशी की खुशियां बांटते हुए माननीय आकाश आनंद जी व बसपा टीम। ये देखिए, बसपा सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, उनकी भी इन्होंने पेंटिंग बनाई है, और तमाम लोग इनसे मिलने पहुँचे, खासकर जो आकाश आनंद है। इनके घर पर राहुल गांधी नहीं जाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ, ना मोदी, इनके घर पर वही लोग जाएंगे जो अपने हैं, जो जिन्होंने इन सिचुएशन को झेला है, जो इस पीड़ा को झेल के निकले हैं, जिन्होंने ये दर्द सहा है, वही लोग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी अगर एक नहीं हुए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए, एडवोकेट रजनी बोध है, उन्होंने लिखा है, आपने सर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, सच में बहुत ही सुगत अनुभूति हो रही है, सच में खुशी बिटिया ने अपने हुनर से सभी को खुश कर दिया, आपके हुनर को ग्रेट सैल्यूट है, जय भीम जय बसपा। तो आकाश आनंद देखिए इनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी एम्बियंस सुन लीजिए थोड़ा सा। अपना नाम,
तो सुना आपने, तो आकाश आनंद इनके घर पहुंचे हैं इनको हौसला अफजाई करने, ताकि इनको कभी ऐसा महसूस ना हो कि ये दिव्यांग है, फिजिकल एबल हैं और आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे तमाम नेताओं को इनकी मदद करनी चाहिए। इनका जब शौक है कि ये पेंटिंग बनाना, तो हो सकता है कि भारत को एक और MF हुसैन मिल जाए। इनको इन बच्चे की जो है मदद करनी चाहिए। अब ये देखिए, अजय गौतम है, उन्होंने लिखा है, आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाली खुशी, जिसके हाथ पैर सही नहीं है, अपने मुंह से पेंटिंग बनाती है, से मुलाकात की और उसकी पेंटिंग खरीदी। उनका हौसला बढ़ाया, बहुत ही सराहनीय कदम। तो इन्होंने, आकाश आनंद जी ने उनकी पेंटिंग भी खरीदी है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, खुद आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, कल ग्वालियर में खुशी और उसके परिवार से मिला, उम्मीद और मजबूत इरादों से भरी खुशी के जज्बे को सलाम। खुशी, आप इसी तरह अपनी कला के रंगों से खुशियां बिखेरती रहें। उम्मीद करता हूं कि खुशी और उसकी तरह हमारे समाज की हर बच्ची को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन्होंने पेंटिंग बनाई है, बसपा सुप्रीमो मायावती की पेंटिंग बनाई है, गौतम बुद्ध की पेंटिंग बनाई है। तो बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं, फिजिकली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी मुंह से जिस तरीके से वो पेंटिंग बनाती हैं, ये देखिए तस्वीर कितनी खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन ये खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा थोड़ा सा भी कार्य कर देता है, तो उसको पूरा दिन चलाते हैं और उसके बहाने आरक्षण को गाली देते हैं कि देखिए हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है, लेकिन ये जो आरक्षण है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, आरक्षण को गालियां देंगे। लेकिन यही जातिवादी गोती मीडिया जो है, वो मनु मीडिया, वो इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगा, खुशी की बात नहीं करेगा, खुशी के टैलेंट की बात नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों की बात करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके और उनके, ताकि आगे चल के उनको एक अच्छा भविष्य मिल सके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।